अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KNN न्यूज लाइव। मैं अमरीदा अनमोल। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास तखीर का शिकार, इजलास 1 घंटे 15 मिनट के बाद भी शुरू ना हो सका। बलोचिस्तान असेंबली के इजलास में कोई शिरकत के लिए कोई रुकने ऐवान में मौजूद नहीं। इजलास में अरकान की गैर हाजिरी के लिए मुसलसल घंटियां बजाई जा रही हैं। बलोचिस्तान का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब किया गया था। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली सरदार बाबर मूसा खेल असेंबली पहुंच गए और सरदार सरफराज चाकर डूमकी भी बलोचिस्तान असेंबली पहुंच गए हैं। क्वेटा में वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि पूरी कौम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। कल से अल्टीमेटम देने वाला बनी गाला सोने चला गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत और इत्तेहादी जब चाहेंगे इंतखाबात होंगे, इमरान खान के साथ सिर्फ चंद अफराद आए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला कहते हैं कि सारी रात सिक्योरिटी हालात की मॉनिटरिंग की, आवाम ने फसादी जत्थे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी करके डी चौक जाने का ऐलान करके वादा खिलाफी की। उन्होंने मेट्रो बस स्टेशन दरख्तों का आग लगाई, आवाम ने सब देखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आर में फसादी जत्था सारी रात जलाव करता रहा। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स अपना फरीजा इसी तरह अंजाम देते रहेंगे। नुमाइश चुरंगी पर पीटीआई का धरना खत्म कर दिया गया, सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। इमरान खान के साथ काफलों की सूरत में आने वाले लोग मुंतशिर, डी चौक पर मौजूद पीटीआई कारकुनान रेड जोन में दाखिल हो गए। कराची चुरंगी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 12 घंटों तक एहतजाजी धरना था। खबरों में फिलहाल इतना ही, मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KNN न्यूज लाइव।